अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं, जिसके लिए 5 अदद आलू लिए हैं। इनको इस तरह लंबाई में काट लिया है। 1 कप मोज़रेला चीज़ या हसबे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस हसबे ज़रूरत, 1/2 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 3 खाने के चम्मच कटे हुए काले जैतून, 1/2 चाय का चम्मच ओरिगानो, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले आलू में नमक और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स कर लेंगे। आलूओं में नमक और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर दिया है, अब इनको फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है, अब इसमें आलू डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। आलू को फ्राई कर लिया है, अब इनको एक डिश में डाल देंगे। अब इस पर कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए जैतून, मोज़रेला चीज, पिज़्ज़ा सॉस, अब इस पर दोबारा ये फ्राइज़ डाल देंगे।
शिमला मिर्च, पिज़्ज़ा सॉस, जैतून, इस पर दोबारा चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद इस पर ओरिगानो डाल देंगे। और इस पर कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे और इसको फ्री हीटेड ओवन में 6 से 7 मिनट या फिर उतनी देर बेक करेंगे कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज को ओवन से निकाल लिया है, इसकी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका पिज़्ज़ा फ्राइज़ कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।